द्वापर युग की राधा और श्री कृष्ण की कहानियों के बारे में कौन नहीं जानता। उस टाइम देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वे अपने आप को ही भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर नारद जी को जलन महसूस होने लगी थी और नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे। तो एक दिन नारद मुनि श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए तो नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सिर पकड़ लिया और बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? इस बात पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। तो नारद जी बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का कोई उपाय है? तो कृष्ण जी ने कहा कि हाँ उपाय तो है, अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण जी के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ टाइम के लिए तो मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा, परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। तो ये सोचते ही वे भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुँचे। तो वहाँ जाकर नारद जी ने राधा रानी को प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने उसके उपाय के बारे में भी राधा रानी को बता दिया। यह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर रख दिया और कहा, मुनिवर मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वो समझ गए कि राधा रानी ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और साथ में प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला उन्हें समझाने के लिए ही रची थी। यह बात भी नारद जी को समझ में आ गई थी। उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण के सिर दर्द की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।